देखिए नाजरीन, दिन की एक चाय या कॉफी ठीक है, लेकिन अगर आपके दो से चार होते हैं तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। वो कैसे, अब लेट मी एक्सप्लेन। हम सबके साथ सेम केस ये होता है कि अगर चाय कॉफी नहीं मिली तो दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, लिहाजा हर चार से छह घंटे के टाइम फ्रेम में कैफीन जरूरी है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही हाल था, तो एक इत्तेफाक से एक रिपोर्ट सामने आती है कि इफ यू इनटेक कैफीन इन एनी फॉर्म, बी दैट चाय, कॉफी या आजकल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में आ रहा है, तो व्हेन कैफीन गोज इनटू योर बॉडी इट अब्सॉर्ब्स मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन एंड फोर्सेस इट आउट ऑफ योर बॉडी वाया यूरिन। तो अब आपको ये बात समझ में आएगी कि कैफीन इनटेक के हर एक घंटे के बाद आपको वॉशरूम जाने की हाजत क्यों होती है। सो बेसिकली इन एवरी विजिट ऑफ योर वॉशरूम यू आर बेसिकली ड्रेनिंग योरसेल्फ ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। अब ये मैग्नीशियम और जिंक आपके ब्रेन और हार्ट फंक्शन के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना एक मछली के लिए पानी। सो ये ओवर टाइम मैग्नीशियम ड्रेनिंग की वजह से आपके हार्ट मसल श्रिंक हो जाते हैं एंड यू डेवलप अ कंडीशन कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर, जिसके लिए आपको एक गोली खाने पर मजबूर कर दिया जाता है सारी जिंदगी भर। नाउ यू रियलाइज कि ये ब्लड प्रेशर वाले लोग चाय के एडिक्ट क्यों होते हैं। तो 8-10 साल के बाद मुझे जब तक ये बात रियलाइज हुई, आई वॉज ऑलरेडी मैग्नीशियम डेफिशिएंट एंड मल्टीविटामिन के इंटेक के बाद जब मैग्नीशियम लेवल्स बराबर हुए तो नींद आने की प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो अभी आई स्टार्ट माय डे आफ्टर फजर एंड एंडेड बाय 11 PM, दैट मींस एन एंटायर प्रोडक्टिव डे विथ हार्डली एनी कैफीन इन इट। मैं आपका वेलविशर हूं और आपको ये बात याद दिला रहा हूं कि कैफीन माइट बी डूइंग वंडर्स फॉर यू राइट नाउ, बट इट इज ड्रेनिंग यू इन द लॉन्ग रन। सो वन फॉर द डे इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, लेकिन उससे ज्यादा मतलब आपको खुद लॉन्ग रन में खतरा है।